नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। 3 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमरीका अपने संबंधों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में रश्मि स्वागत। अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने नई दिल्ली के साउथ मोतीबाग में सर्वोदय विद्यालय के हैप्पीनेस क्लास का लिया जायजा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल में सतत विकास के लिए सड़क, एयर और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार जरूरी। कहा लंबित जल विद्युत विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हैं प्रभावी कदम। भारत और अमेरिका ने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के बारे में समझौता ज्ञापन और एलएनजी के निर्यात के लिए एक्सन मोबिल तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने भारत अमेरिका संबंधों को व्यापक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। 24 रोमियो हेलीकॉप्टरों की खरीद को भी अंतिम रूप दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के समर्थकों को भी आतंकवाद का दोषी ठहराने के प्रयास तेज करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला किया है। Discussions with Prime Minister Modi is forging bilateral economic relationships that is fair and reciprocal. Our teams have made tremendous progress on a comprehensive trade agreement, and I'm optimistic we can reach a deal that will be of great importance to both countries. Since I took office, U.S. exports to India are up nearly 60%, and exports of high-quality American energy have grown by, thank you very much, 500%. That's great. As India grows, so do its energy needs. Yesterday, ExxonMobil signed a deal to improve India's natural gas distribution network so that the U.S. can export even more LNG to India. Bharatiya forces aaj sabse adhik training exercises USA ke forces ke saath kar rahi hai. Aaj homeland security par hue nirnay se is sahyog ko aur bal milega. Aatank ke samarthakon ko जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है। तेल और गैस के लिए अमेरिका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। पिछले 4 वर्षों में हमारा कुल एनर्जी व्यापार करीब 20 बिलियन डॉलर रहा है। रिन्यूएबल हो या न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल रही है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रीमती मेलानिया ट्रंप का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। श्री ट्रंप ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
अमेरिका के प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप आज नई दिल्ली के साउथ मोती बाग में सर्वोदय विद्यालय देखने पहुंची। श्रीमती ट्रंप ने दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में बच्चों से बातचीत की, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली और वे पाठ्यक्रम की हैप्पीनेस क्लास में शामिल हुई। मेलानिया ट्रंप के स्वागत के लिए सर्वोदय विद्यालय को जगह जगह रंगोली और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। प्रथम महिला के विद्यालय पहुंचने पर उनका अभिनंदन स्कूल बैंड ने मधुर धुने बजाकर किया। श्रीमती ट्रंप ने विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए सकारात्मक उदाहरण और कौशल प्रदान करने के लिए सभी शिक्षकों को धन्यवाद किया। विद्यालय में बच्चों को संबोधित करते हुए मेलानिया ट्रंप ने कहा कि छात्रों द्वारा दिन की शुरुआत सुविचार और प्रकृति से जुड़ाव के साथ करना बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में वे बच्चों में इसी प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए बी बेस्ट पहल चला रही है। इन करिकुलम इन द लीडरशिप ऑफ द टीचर्स एंड इन द स्पिरिट ऑफ एंथुसियाज्म ऑफ द स्टूडेंट्स। A short while ago, I visited a classroom and observed its happiness curriculum. It is very inspiring to me that the students here begin each day by participating in mindfulness. From mindful breathing, telling a story to a friend, listening to another classmate, or simply connecting with nature, I cannot think of a better way for all of us to start our day. As I travel around the world, I'm inspired not only by programs like the reading classroom and the happiness curriculum, but also by the thing about positive change within your communities. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल में सतत विकास के लिए सड़क, एयर और मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार जरूरी है। कल गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर राज्य ने सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबित जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए ऊर्जा जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जल विद्युत ऊर्जा की अपार संभावनाओं का विकास करते हुए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा देश के विकास हेतु ऊर्जा जरूरतों में पूरा करने में योगदान करने का प्रयास कर रही है। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्य के सभी मुख्यमंत्री, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, डोनर मंत्रालय और यूएनडीपी के सदस्यों ने भी भाग लिया। बहुत अच्छे से चल रहा है और उसका एक्सटेंशन भी वहां पे हो रहा है। तो हमारा ये निवेदन होगा कि डिब्रूगढ़ को जब एक्सटेंशन हो जाने के बाद में उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए, ताकि डिब्रूगढ़ जो है हमारा अरुणाचल से बहुत सामने है, हमारा राज्य को भी बहुत इससे फायदा होगा। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट में जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल एक रोड है, स्टील वेल रोड, उसको हम लोग उसको अच्छा से बनाने से ठीक रहेगा, ताकि हमारा म्यांमार के साथ में जो बिजनेस ट्रेड है उसको भी हम लोग डेवलपमेंट कर पाएगा। और तीसरा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक सजेशन ये रहेगा कि हमारा जो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ से हम लोग एक ट्विन्स सिटी एंगेजमेंट यानी सिस्टर सिटी इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करने से, ताकि कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, जिससे आने वाला दिनों में हम लोगों का रिलेशंस भी बहुत अच्छा बढ़ेंगे। कि अरुणाचल वी हैव द ह्यूजेस्ट एंड मोस्ट मैसिव रिवर्स इन अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली वी हैड कंडक्टेड वन हाइड्रो पावर कॉन्क्लेव, तो वहाँ में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी विल कम अप विद 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। पूरा उसका टाइम फ्रेम देख के मैं दिल्ली आऊँगा, आई विल सिट विद नीति आयोग और आप लोगों का मदद इसको पुश करने में हमें ज़रूर चाहिए। इससे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, हमारा जो न्यू इंडिया का जो उन्होंने विजन दिया है, उसको हम लोग ज़रूर अचीवमेंट करेंगे। एक सजेशन ये है कि हमारा जो SDG गोल्स को, जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान, उसका सर जैसे कि हमारा जो UD डिपार्टमेंट जिस हिसाब से रिव्यू मीटिंग लेके जो मॉनिटर कर रहा है, उसी प्रकार से अगर हम लोग भी इस SDG कितना गोल्स अचीवमेंट हुआ उस फॉर्मूला के पैटर्न में इन लाइन विद स्वच्छ भारत के तौर पे हम लोग मॉनिटर करने से, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस आएगा अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो बाद में रिजल्ट्स भी इसमें ये अच्छा होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रायबरेली के महिला डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आनंद सेन श्रीवास्तव व अन्य वक्ताओं ने हिंदी के महत्व के साथ ही हिंदी भाषा की उपयोगिता पर विस्तृत चर्चा की। मातृभाषा विषय पर आयोजित सेमिनार में हिंदी विषय पर सामूहिक चर्चा के साथ ही इस विषय पर भी चर्चा हुई कि पाश्चात्य संस्कृति के हावी होते इस दौर में मातृभाषा को कैसे न सिर्फ बचाया जा सके बल्कि संवर्धित भी किया जाए। सेमिनार में पुस्तक प्रदर्शनी, सामूहिक परिचर्चा और अंतिम लघु फिल्म प्रस्तुत किया गया। इस सेमिनार में महिला विद्यालय के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ऊर्जा का संचार होता है, चेतना का संचार होता है, वो अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सजग होते हैं और उसको आगे बढ़ाने का एक संकल्प लेते हैं। अगर इस प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे तो धीरे धीरे नई पीढ़ी इन सब बातों को भूल जाएगी। ये इसलिए रखा गया है कि हमारा भारत कैसे स्टेज बन सकता है, इसके हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे कि हमारे भारत में हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसके जरिए हम कई चीज़ें, हमारे भारत में कई चीज़ें लागू हुई हैं, उससे हम एक स्टेज बना सकते हैं। सरकार का और शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य एक भारत और श्रेष्ठ भारत है और हिंदी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। इससे हिंदी का स्वयं का विकास और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य है। हम सब को ये जानना ज़रूरी है कि मातृभाषा ही हमारी मूल होती है, तो मातृभाषा सबको, बच्चों को, मतलब मातृभाषा सीखना बहुत ज़रूरी होता है। विधायक कालिंग मोयंग ने कहा है कि पासीघाट नगरीय क्षेत्र के विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। आज पासीघाट में मैकेनिक संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लंबित सड़कों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर पासीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अतम ताकी ने श्रमिकों से भविष्य के लिए भी अपनी दैनिक कमाई का एक हिस्सा बचाने का आह्वान किया। पासीघाट को हम आगे बढ़ाना है। आपका कोई कोई लोग सोच रहा होगा ये हमारा पीछे वाला सड़क इतना खराब है, एमएलए साहब देखता है कि नहीं देखता है, और वो बकिन परदिन चौमिल का पीछे है, आईआरबीएन वाला गोविंद नगर सड़क खराब है और अभी तक नहीं बनाया। ऐसे किसी किसी का दिल में तो होगा, लेकिन आप लोग का पूरा कमिटमेंट दे रहे हैं कि ये अभी तो फरवरी खत्म होने के लिए अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। राज्य में महिलाएं समूह बनाकर कई क्षेत्रों में विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इन महिला समूहों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान जरूरी है ताकि वे प्रभावी तरीके से स्व सहायता समूह के माध्यम से अच्छी आय हासिल कर सके। हाल ही में वेस्ट सियांग जिले के दारका में 12 ब्लॉक की महिलाएं समूहों ने विभिन्न क्षेत्रों में स्व सहायता समूह के गठन और कार्य के बारे में आपस में अनुभव साझा किया। इस अवसर पर सफल महिला समूहों को सम्मानित किया गया। उन्होंने खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उसको हम लोग बताते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग को कैसे हम लोग को राइट मिलना है, कैसे हम लोग काम करना है सोसाइटी में लेकर, और कैसे हम लोग चेंज करना है अपना सोसाइटी को। जैसे कि हम लोग पीडीएस प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि पीडीएस प्रॉब्लम होने से हम लोग यहाँ पे चावल को 30 kg बोलने से हम लोग को 5 kg काट के 25 kg दे देता है। वो सब प्रॉब्लम, मतलब कॉमन प्रॉब्लम बहुत होता है ना, हम लोग को राइट्स को नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोग सियांग बेल्ट जो है, हम लोग सब 12 ब्लॉक जो है मिल के ये सियांग आने को हम लोग सेलिब्रेट, ये मनाते हैं, ये सियांग आने के दिन को ये कारण से मनाते हैं। जैसे हम लोग का ब्लॉक में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आई कुछ कुछ सक्सेस भी हुआ है, हम लोग का पीडीएस का कुछ कुछ ब्लॉक में सक्सेस हुआ है, वो सक्सेस स्टोरी हम लोग एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं। तब वो लोग जाके अपना अपना ब्लॉक में जाके अपना अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और करने के लिए कोशिश करते हैं। नाहरलगन रेलवे स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस इन दिनों लोगों को निशुल्क चिकित्सीय परामर्श और जरूरी इलाज उपलब्ध करा रही है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से प्रायोजित लाइफलाइन एक्सप्रेस चिकित्सीय शिविर में अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के चिकित्सा प्रबंधक
डॉक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि 17 फरवरी से शुरू हुए इस ट्रेन कैंप में अब तक 110 लोगों के मोतियाबिंद संबंधी ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों ने आंखों के इलाज के लिए अपना पंजीकरण करा रखा है। उन्होंने बताया कि लाइफलाइन एक्सप्रेस में कैंसर संबंधी जांच के लिए डॉक्टर उपलब्ध है और अब तक 200 से ज्यादा लोगों के ओरल कैंसर, स्तन और गर्भाशय कैंसर संबंधी जाँच की जा चुकी है और कई नमूने जाँच के लिए मुंबई और गुवाहाटी भेजे गए हैं। आने वाले मरीजों ने भी लाइफलाइन एक्सप्रेस के कामों की प्रशंसा करते हुए इसे एक बहुत अच्छा कदम बताया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभात। नमस्कार।